नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में सुपौल सीट की। सुपौल सीट से 2019 में कौन बनेगा सांसद। सुपौल लोकसभा सीट क्षेत्रफल के अनुसार सुपौल कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। सुपौल सहरसा जिले से 14 मार्च 1991 को विभाजित होकर अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। सुपौल प्राचीन काल में मिथिला राज्य का हिस्सा था। बाद में मगध तथा मुगल सम्राटों ने भी यहाँ राज किया। अभी बात करें तो लोक गायिका शारदा सिन्हा एवं स्वर्गीय पंडित ललित नारायण मिश्र की धरती है सुपौल। सुपौल में कांग्रेस हमेशा से मैथिली ब्राह्मणों की पसंदीदा पार्टी रही है। उसे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की छवि का लाभ कांग्रेस को अभी भी मिलता रहा है। सुपौल में ब्राह्मण और यादव जाति के मतदाताओं का बोलाबाला है। सुपौल से वर्तमान सांसद है कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीत रंजन, जो मधेपुरा से सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की पत्नी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में विजयी कांग्रेस की रंजीता रंजन को 3,32,927 वोट हासिल हुए। वहीं दो नंबर पर रहे जेडीयू के दिलेश्वर कमौत, जिन्हें 2,73,255 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार कामेश्वर चौपाल को 2,49,693 वोट मिले। सुपौल लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 5 सीटें आती है, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और छत्तापुर। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 3 जेडीयू, 1 आरजेडी और 1 सीट बीजेपी को मिली। परिसीमन के बाद 2008 में सुपौल लोकसभा सीट अलग से अस्तित्व में आई। 2009 के चुनाव में यहां से जेडीयू के विश्व मोहन कुमार सांसद बने। 2009 के चुनाव में रंजीता रंजन ने सुपौल सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब रंजीत रंजन जेडीयू के विश्व मोहन कुमार से 1.5 लाख वोटों से हार गई थी। लेकिन 2014 का चुनाव रंजीत रंजन ने कांग्रेस के टिकट पर सुपौल सीट पर लड़ा। इस बार रंजीत रंजन ने 60,000 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार दिलेश्वर कमौत को हरा दिया और लोकसभा पहुंची। अगर बात करें यहाँ की मतदाताओं की, तो 15,25,583 मतदाता सुपौल में हैं, जिसमें पुरुष की बात करें तो 7,97,373 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाता की बात करें तो 7,28,185 महिला मतदाता हैं। सुपौल लोकसभा से तेजस्वी यादव पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं इस बार, क्योंकि यहां से पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की उम्मीदवार है रंजीत रंजन। राजद के तमाम विरोध के बाद भी पप्पू यादव ने मधेपुरा से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, जबकि राजद ने मधेपुरा सीट से शरद यादव को मैदान में उतारा है। वहीं राजद अब सुपौल में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद की सुपौल इकाई ने खुलेआम कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश यादव को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा कर दी है। वहीं सुपौल में तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि राजद चुनाव प्रचार में रंजीत रंजन के पक्ष में जाता है या नहीं। वहीं जेडीयू से दिलेश्वर कमौत फिर से एक बार उन्हें चुनौती देते नजर आएंगे। वो यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार है। वहीं और सारे पार्टियों से वो अन्य लोग निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राजद सुपौल सीट पर महागठबंधन में रहती है या निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देती है, इस पर अभी चर्चा है, क्योंकि राजद का कोई भी बड़ा नेता अभी तक सुपौल में रंजीत रंजन के प्रचार में नहीं पहुंचा है, ना ही तो उनके नॉमिनेशन में पहुंचा है और ना ही प्रचार में। यहाँ पर अभी मुकाबला दो लोगों के बीच है, लेकिन राजद अगर समर्थन नहीं करके निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करती है दिनेश यादव को,
तो ये मुकाबला आगे चलकर देखने वाला होगा कि क्या होता है और कौन बनता है 2019 में यहाँ से सांसद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और आप भी अपना कमेंट देकर हमें बता सकते हैं कौन बनेगा वहाँ से 2019 में सांसद। धन्यवाद।